आज वुमेंस डे और हम सब हैं फिनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला में, और जहां पर एक ऐसी महिला मेरे साथ हैं, ऐसी एक्ट्रेस मेरे साथ हैं जिनके साथ ये तीन शब्द बिल्कुल जुड़े हुए हैं, पावरफुल, लिमिटलेस और फेयरलेस, वो हैं दिव्यंगा त्रिपाठी। दैया, बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, ऑलमोस्ट एक साल के बाद। कितना अच्छा लग रहा है देख के। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू पैरिस, रियली। सबसे पहले ये बताइए, तीन शब्द जो आपने लिखे हैं इस वेइंग मशीन पे, कितना सूट करते हैं आपको? अच्छा, आपने एक बात खास नोटिस की है कि वेइंग मशीन है, इस पे क्यों लिखा गया है? लड़कियाँ, ये भी बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है कि वजन ज़्यादा हो शब्दों का, लेकिन आमतौर पे औरतें अपनी ब्यूटी से खुद की पर्सनालिटी को, खुद के अस्तित्व को, अस्तित्व की तुलना करती हैं। वो आमतौर पे सोचते हैं कि मैं पतली होंगी तो दुनिया को अच्छी लगूंगी, पतली होंगी तो खुद को अच्छी लगूंगी। वो ये भूल जाती कि उनके अंदर, उनके शरीर, ये बाहरी खूबसूरती के अलावा भी बहुत कुछ है। दे आर रियली पावरफुल। औरतें मल्टीटास्क कर सकती हैं, क्या कुछ कर सकती हैं, अचीव कर सकती हैं, बट दे जनरली लिमिट देमसेल्व्स। उन्हें याद रखना चाहिए कि वो शक्तिशाली हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी कोई सीमा नहीं है। वो अपनी ओपिनियन सामने रखने वाली बात हो, अपने हक के लिए बात करने वाली बात हो, या फिर ऊंची उड़ान भरने की बात हो, दे कैन अचीव टोटली एनीथिंग। एंड फियरलेस, भाई डरो मत कि ज़माना क्या कहेगा, वो ज़माने गए। और अपने घर के जो बच्चे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लाइक इन सबको समराइज करते हुए, औरतें आमतौर पे अपने बच्चों को नर्चर कर रही होती हैं, उनकी परवरिश कर रही होती हैं, तो सारे बच्चों को, लड़का हो या लड़की, एक जैसी परवरिश दें। उन तीनों को ये सिखाएं कि दे हैव ऑल दीज क्वालिटीज़ इन देम। ये सिर्फ लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए नहीं है, क्योंकि जब हम वो एक इक्वालिटी का माहौल घर में पैदा करेंगे ना, तो समाज आगे चल के इक्वल होगा। 20 साल लगेंगे बच्चों के बड़े होते तक, पर तब तक में समाज बदल जाएगा। तो आपने अपने करियर में भी जितने भी शोज आपने किए, जो कैरेक्टर्स आपने किए, वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते रहें, चाहे वो विदाई हो, फिर यह मोहब्बतें हो, और अब आप क्राइम पेट्रोल रहे, दुल्हन हो, फिर यह मोहब्बतें हो, और उसके बाद अब क्राइम पेट्रोल में भी जो आप शोज कर रही हैं, वो एग्जैक्टली वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। सो आपका काम भी ये चीज़ बोलता है कि आप हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आई थिंक दिस इज़ माई कॉलिंग। हमें कई बार एहसास नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, हमारा खिंचाव किस तरफ है, लेकिन शायद ये बातें मुझे खींचती हैं अपनी ओर। दुल्हन में हाँ, वो एक अबला नारी थी जो कि आगे चल के अंग्रेज़ी सीख गई और शी डेवलप्ड। मोहब्बतें में वैसे था, बट आई थिंक जैसे आज का ये इवेंट है फीनिक्स मार्केट सिटी में, आई केम हियर जस्ट बिकॉज दे सेड कि इट्स वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड। और मुझे लगता है कि इस एड्रेस को, इस सब्जेक्ट को जितना एड्रेस किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सिर्फ हम लोग वुमेंस डे टू वुमेंस डे याद रखते हैं कि नारी शक्ति भी कोई चीज़ है, वरना नारियाँ खुद अपनी शक्ति भूल जाती हैं। जो आपने अभी कहा उससे मुझे एक बात याद आई, हम इंडिया टीवी पर एक नया कैंपेन शुरू किया हमने, हर दिन वुमेंस डे। सो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों वुमेंस डे मनाया जाए, साल के हर सारे 365 दिन वुमेंस डे हैं, हर दिन वुमेंस डे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया आपने, दैट्स व्हाट आई से कि एक दिन में सीमित नहीं होना चाहिए। जैसे लोग वैलेंटाइंस डे के अगेंस्ट जाते हैं ना कि अरे एक दिन का प्यार क्यों, वैसे औरतें भी एक दिन के लिए वुमेंस डे क्यों मनाती हैं? बहुत ज़रूरी है दैट दे रिमेंबर दैट बहुत खूबसूरत हैं वो, हर रोज़ अंदर से बाहर से। बस अपनी वैल्यू जान के रखो, अपनी क्वालिटीज़ जानो, अपने सपनों को ख़त्म मत कर दो, ख़ास करके शादी के बाद। कुछ चीज़ें पसंद है ना, प्यार से सम्मान के साथ बताओ कि मुझे ये करना पसंद है, और वो करो, नहीं तो एक घुटन भरी ज़िंदगी हो जाएगी आगे चल के। इतना मत एडजस्ट करो कि कुचल दिए जाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करो और थोड़ा सा अपने आप से प्यार करो। #हैशटैग हर डे वुमेंस डे, वापस लूँ ये, वुमेंस डे या वुमेंस डे, वुमेंस डे #हैशटैग हर डे वुमेंस डे। थैंक यू सो मच दिव्यंका। तो ये थी दिव्यंका त्रिपाठी दहिया जो यहाँ आई हैं वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, कैमरामैन संतोष देवते के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।